कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। बारासिया क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आधा दर्जन गांवों में जन जागरण पदयात्रा की। नजीराबाद क्षेत्र के गानाखेड़ी से देवपुरा तक 10 किलोमीटर की जन जागरण पदयात्रा की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनवा दो, इतना काला धन लेकर आएंगे कि खाते में 15-15 लाख रुपए डलवा दूंगा, लेकिन किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं आए। कहती थी कि महंगाई कम कर दूंगा, लेकिन महंगाई और बढ़ी है, लेकिन कम नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही गरीबों का भला कर सकती है। सस्ता अनाज की योजना भी सोनिया गांधी ने शुरू की थी। इस दौरान टेम नदी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र के किसानों ने जमीन का कम मुआवजा मिलने की शिकायत की, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पत्नी अमृता राय, विधायक पीसी शर्मा, गोविंद गोयल, राजगढ़ विधायक बाफू सिंह तनवर, अवनीश भार्गव, अरुण श्रीवास्तव, जय श्री हरिकरण, राम भाई मेहर, नरेंद्र शर्मा, नवम सुंदरलाल, राजकुमारी केवट, कमरलाल गुर्जर, हकम सिंह गुर्जर, रतन राजपूत, पर्वत सिंह गुर्जर, भीकम सिंह राजपूत, चंदर सिंह गुर्जर, जगदीश गुर्जर, रमेश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। देश में कांग्रेस पार्टी ने ये जन जागरण अभियान चलाया है कि जैसे देश में भाजपा की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली है। और हमारी कोशिश होगी कि हम हर गांव तक पहुंचकर लोगों से चर्चा करें और उनको समझाएं कि रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।